नमस्कार दोस्तों, गांव वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम बेरी चौक बेर हरिनगर मध्य रेल बान होते हुए आगे जा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना यहां की परिस्थिति आपको दिखाई जाए और उससे रूबरू करवाया जाए। दोस्तों, यह जो बान है काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा है और गरीबों लाचारों का आसरा बना हुआ है। बाढ़ के वक्त कई सारे गरीब जो हैं जिनके घर में पानी चला जाता है वो लोग यहीं पे आते हैं और सामने देखिए एक बच्चा ठंडा लेके जा रहा है, ठंडा में बैठ के ठंडा पिएगा और वो भी अकेले अकेले दो लोग हैं। देखिए, इस बांध पे पटरी तो बिछी नहीं है और आने वाले समय में भी मुझे दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। हालाँकि आगे पटरी पहुंची हुई है यहाँ से लगभग 600 मीटर की दूरी पर और यहाँ पर इस बांध पे दो काम होते हैं। पहला तो जो आदिवासी लोग होते हैं जो घूमते घूमते अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे लोग यहाँ पे अपना आशियाना बनाते हैं और कुछ दिन ठहरते हैं फिर चले जाते हैं। और दूसरा ये कि मछली पालन जो करते हैं वो मछली सुखाने का काम करते हैं। और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है सुअर आवास, आदमियों के लिए अलग होता है, ये जानवर के लिए है। ये जो आप बत्ती देख पा रहे हैं इस पे मछली सुखाने का काम हो रहा है और आगे जो छोटा सा झोपड़ी आपको दिख रहा है उसमें मछलियों को कई सारी वैरायटी इनके पास है, मतलब प्रकार कई सारे के हैं, तो वो अलग अलग छांट के अलग अलग करके फिर उन्हें सुखाने का काम किया जा रहा है। और आगे चले बहुत सारी चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे। और हमारा कैमरामैन साइकिल लेके आगे की ओर बढ़ रहा है और दाएं साइड में एक इलाका है जो कि आगे आपको बताएंगे। यहाँ पे पिछले कई वर्षों पहले महाविष्णु यज्ञ हुआ था और ये आखिरी व्यू देख लीजिए वेरचो का। अब वेरचो काफ़ी ग्रो कर रहा है और ये वाला इलाका जो है जो आप भी देखा आपने यहाँ पे यज्ञ हुआ था जो कि काफ़ी नाम कमाया था और काफ़ी भीड़ हुई थी। इसी के चलते जो झूला वाला थे जब मैं भी कछुआ में यज्ञ हुआ तो सोच के आए थे कि खूब कमाएंगे लेकिन ठीक उसके विपरीत हुआ था। तो कभी कभी जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। और हाँ, आप किस गांव से देख रहे हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो अपने गांव का नाम अवश्य लिखिएगा कमेंट में, क्योंकि बार बार देख रहे हैं रेगुलर देख रहे हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पहली बार देख रहे हैं तो गांव का नाम अवश्य लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा और जाते जाते अपने चाहने वालों के साथ अपना प्यार दिखाने के हेतु इसे फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर अवश्य कीजिएगा। तो फाइनली हम उस जगह पे पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में जहां से रेलवे की जो पटरियां हैं वो होल्ड पे है, कह सकते हैं वहां तक बनी है, आगे जो है काम कब होगा पता नहीं। हमारा कैमरामैन आ रहा है, उसका चप्पल शायद गिर गया है। देखिए, चप्पल गिरा पिछले 100 मीटर पीछे और वो साइकिल रोका अगले स्टॉप पे जाके। आप सोचिए इससे बड़ा बुद्धिमान कोई हो सकता है, साइकिल एक कोस आगे रोका है और चप्पल कहाँ गिरा है। फिर वो एक तो साइकिल से पहले गया और फिर पैदल आएगा उतना दूर से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, वीडियो यह ज़्यादा लंबी नहीं है, हमें लगा कि रेलवे वाहन आपको दिखानी चाहिए यहाँ की परिस्थितियाँ से। और सामने अमोल डीबी है जो कि बेरगांव में है, कभी मौका मिला ये जो आप इलाका देख पा रहे हैं सूर्य देव के नीचे वाला वहाँ अमोल्डी है, तो उसके बारे में भी कभी जिक्र करेंगे, वो भी मोटो व्लॉग के जरिए। हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है मोटो व्लॉग से संबंधित, हालांकि गोप्रो से हम शूट नहीं करेंगे, मोबाइल से ही करेंगे, हेलमेट में लगा रहेगा और बाइक से जाएंगे राइड करते हुए। हमारी फ्राड़ी यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ से देखिए दो दो रास्ते पटरी के दोनों साइड से गया हुआ है, शॉर्टकट जैसे बोलते हैं, इस पर हम बाइक चलाए हुए हैं। कभी डर भी लगता है लेकिन चलाने में मज़ा भी आता है, तो चलिए थ्रिलर सा लगता है। चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।